The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So osteoporosis, bone loss, ek aisi bimari hai jisse ke pata chalta hai ki ye bone jisme ke aapki bone jo hai wo brittle ho jati hai. जो हड्डी जो है उसमें लिटरली छोटे 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 छेद हो जाते हैं क्योंकि हड्डियों में से कैल्शियम मिनरल कम हो जाता है, ब्रिटल हड्डी हो जाती है, टड़क से टूट जाती है, आसानी से टूट जाती है. ऑस्टियोपोरोसिस पोरस हो जाती है, पोरस पोरोसिस, ऑस्टियो यानी हड्डियाँ, पोरोसिस यानी पोरस, लूज डेंसिटी, कम डेंसिटी. और आपका अगर टेस्ट आप कराओगे बोन डेंसिटी तो उसमें आएगा आपका माइनस में स्कोर, टी माइनस 2.5 से कम. सो डायग्नोसिस इसका करा जाता है और उसी से बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट से. आपकी बोन वैसे नॉर्मली चेंज होती रहती है, आपकी बोन रेगुलरली उसको बोन को चाहिए कैल्शियम मिनरल्स यानी फॉस्फेट्स, कैल्शियम और बाकी विटामिन डी चाहिए कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए, बोन को हेल्दी रखने के लिए. तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में आपको कैल्शियम की और बोन की यानी कैल्शियम विटामिन डी की ज़रूरत है क्योंकि बोन आपकी जैसे जैसे उम्र होती है, जैसे जैसे रोज हर साल हर टाइम रेगुलरली रिप्लेस होती रहती है, एंटायर स्केलेटन आपका राइट 10 साल में बदल जाता है. हर 10 साल में पूरे शरीर की हड्डियां पूरी की पूरी रिसाइकल होकर नई हड्डियां आ जाती हैं. दिस इज स्लो प्रोसेस जो तब तक चलता है जब तक आप मरते नहीं, बुढ़ापे में और स्लो हो जाता है राइट 10 की जगह 20 साल. सो ये रिमेंबर करिए, बुढ़ापे में स्लो हो जाता है इसलिए देर इज बोन लॉस क्योंकि आप जा तो रही बनेगी कम. एज लॉन्ग एज योर बोन जिसमें जो हड्डी है उसमें अच्छा बैलेंस, उसमें अच्छी ताकत है तब तक आप हेल्दी रहेंगे, तब तक आपकी बोन हेल्दी रहेगी राइट. जैसे जैसे बोन लॉस होगा, जैसे जैसे ज़्यादा बोन बॉडी हो जाएगी, जैसे जैसे बोन रीअब्जॉर्ब होगी, नई बोन क्रिएट होती है लेकिन उम्र के साथ वो फिर कम होगी या बीमारी में कम होगी. समटाइम्स ऐसे ही होता है, बोन लॉस होती है उम्र के साथ लेकिन कई बार वो बिना किसी कारण के भी हो जाती है. कई बार वो दवाओं की वजह से, किसी चीज़ के साइड इफेक्ट की वजह से हो जाती है, कई बार वो जेनेटिक इनहेरिटेंस की वजह से हो जाती है. फीमेल्स में ज़्यादा दिक्कत होती है और इससे वजह से आपकी बोन ब्रिटल हो जाती है, आराम से टूट सकती है. थोड़ा सा गिर गए, थोड़ा झटका लगा और बोन टूट जाएगी राइट. वीक बोन कैन ब्रेक वेरी इजीली. सो एज इज वन फैक्टर, एजिंग जिससे बोन लॉस होता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस होता है. विमेन में ईस्ट्रोजन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मीनोपॉज एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आपके जब मेंसेस आने बंद होते हैं आपके ईस्ट्रोजन लेवल्स ड्रॉप होते हैं और आपकी ऑस्टियोपोरोसिस की रिस्क और ज़्यादा बढ़ जाती है. मेन में उम्र के साथ मेंसेस तो नहीं होते तो वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होता लेकिन उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता जाता है तो उनके बोन लॉस होती है. सो करना क्या है इसमें, आपको देखो बोन लॉस होगा उम्र के साथ ईस्ट्रोजन की वजह से या टेस्टोस्टेरोन की वजह से, 50 से 70 साल की उम्र में शुरू हो जाएगा, फीमेल्स में जल्दी, मेल्स में थोड़ा लेट लेकिन होगा. लाइफस्टाइल में आपको चाहिए कैल्शियम और विटामिन डी और एक्सरसाइज, ये तीन चीज़ें बेसिक हैं. कैल्शियम खाते रहो, विटामिन डी लेते रहो, एक्सरसाइज करो. कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, दूध से, फिश से, मीट से, पनीर से, ब्रोकली से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से राइट. फिश खा लो, कुछ ऐसी चीज़ें खा लो राइट. विटामिन डी बहुत ज़रूरी है, विटामिन डी आपको चाहिए आपकी बॉडी से कैल्शियम एब्जॉर्ब करने के लिए. डेली बेसिस पे एडल्ट को 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए, बस 600 से 800 डेली बेसिस पे एडल्ट बॉडी को चाहिए. उसके लिए थोड़ा धूप में जाइए 15 मिनट के लिए, हफ्ते में 3 बार बहुत है 15 मिनट के लिए. और आपकी बॉडी को बोन बनाने के लिए हाई कैल्शियम फूड चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ही ज़्यादा कैल्शियम खाना है, नॉर्मल कैल्शियम भी चलेगा, आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है कैल्शियम, आपको सिर्फ विटामिन डी रेगुलरली चाहिए राइट. आपको कुछ चीज़ें कंट्रोल करनी है. स्मोकिंग एंड अल्कोहल एक्चुअली बोन डैमेज करती हैं और आपकी बोन्स वीक भी करती हैं, इससे एब्जॉर्प्शन प्रॉब्लम भी कम होता है, इससे विटामिन डेफिशिएंसी भी होती है, कैल्शियम डेफिशिएंसी भी होती है. सो यंग एज में जो लोग को मेंस्ट्रुअल पीरियड ज़्यादा दिन तक आते हैं उनको भी रिस्क होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, बोन प्रॉब्लम्स होने का. जिनका वज़न बहुत ही ज़्यादा कम है उनको भी रिस्क होता है, जो एक्सरसाइज बहुत ही अति मात्रा में करते हैं उनको भी है, जो नहीं करते उनको भी है. सो एक्सरसाइज चाहिए रेगुलर नॉर्मल लेने, ये नहीं कि 4-4 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं दिन में वो भी गलत है. सो रिमेंबर दी यानी 8-8 घंटे एक्सरसाइज कर रहे हैं वो भी गलत है, विदाउट प्रॉपर डाइट, विदाउट प्रॉपर नॉलेज, ठीक है. सो बहुत सारी मेडिकल डिजीजेज हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए जो भी बोन लॉस करती हैं. मसल की, बोन की प्रॉब्लम साथ में आ सके, मसल्स और बोन वेट बैरिंग चीज़ें हैं तो अगर बोन वीक होगी तो आप चल नहीं पाओगे.
तो वैसी ही बीमारी सोचिए, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्रोनिक किडनी डिजीज, पैराथायराइड डिजीज, डायबिटीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ऐसी सारी कोई बीमारियां जो आपको हो सकती हैं जिनके वजह से दिक्कत हो, हार्मोनल ट्रीटमेंट आपने लिया, कोई ऐसी दवाई ले रही है स्टीरॉयड वाली, कोई दिमाग की बीमारी की दवाई, कोई गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, कोई ऐसी कोई एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट करने वाली कोई ऐसी बीमारी जिससे कि दिक्कत हो, राइट, एनोरेक्सिया, नर्वोसा, बुलीमिया, ऐसी कोई बीमारी कि आप खाना ही नहीं खा रहे, खा रहे हो फिर सब उगाल दे रहे हो, उल्टी कर दे रहे हो, ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। सो करना क्या है, आप अपने डॉक्टर से बात करो, अगर आपको लगता है आपके अंदर प्रॉपर मात्रा में बोन मिनरल डेंसिटी मेंटेन नहीं है, कैल्शियम मिनरल्स, फॉस्फेट्स, वाइटामिन डी रेगुलर मात्रा में नहीं जा रहा है, तो इसको 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 चेक करो, इसको चेक करना है, विटामिन डी लेवल्स, वाइटामिन डी, नॉट डी डी थ्री नहीं, विटामिन डी चेक करना है, विटामिन बी 12 चेक करना है, सीरम कैल्शियम चेक करना है, आपको किडनी फंक्शन में आ जाएगा, सीरम कैल्शियम, पोटेशियम एंड सोडियम इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें आ जाते हैं, अलग से भी करा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको करानी है आपकी चेक, और फिर उसके हिसाब से आगे बढ़ना है, अगर दिक्कत निकलती है तो उसके लिए मेडिकेशंस लेनी है। फीमेल्स में मेंसेस ख़त्म होने के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट्स 1000 मिलीग्राम 1500 मिलीग्राम लेना चाहिए, या कैल्शियम रिच फूड दिन में होने चाहिए, दूध, दही, पनीर, लस्सी, छाछ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, चिकन, मीट, फिश, समथिंग लाइक दिस। रिमेंबर, इफ़ यू विल नॉट डू इट, योर बोन विल नॉट डू इट, योर बे बोन विल नॉट सपोर्ट यू, राइट, आपको खाना, आपके बोन का ख्याल रखना पड़ेगा, आप उनका नहीं रखोगे तो वो आपका नहीं रखेगी, सो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योर बोन्स इफ यू रियली वॉन्ट टू स्टैंड अप ऑन योर फीट टिल यू डाई, राइट। सो ऑस्टियोपोरोसिस एक बार हो गया तो पूरी तरह से क्योर करना मुश्किल है, इट्स पॉसिबल, मेडिसिंस आती हैं, ट्रीटमेंट आती हैं, हार्मोनल ट्रीटमेंट आता है, टेस्टोस्टेरोन दिया जा सकता है, और एक्चुअल इंजेक्शंस भी दिए जा सकते हैं जिससे बोन ग्रोथ हो, बोन बोन टूटनी रुक जाए, राइट, और बोन बिस्फोस्फोनेट्स आते हैं जिनसे काफ़ी बहुत सारी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन पता तो चले किसको देना है किसको नहीं, तो टेस्ट करें बगैर कैसे कैसे कैसे, रॉ मटेरियल ही नहीं है तो कैसे 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 बनेगी, सो बेसिक तो क्लियर करो पहले, बेसिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्टियोपोरोसिस एंड देन यू नीड टू कॉन्टैक्ट अ ऑर्थोपेडिशियन इफ यू हैव अ प्रॉब्लम, करेक्ट। सो दैट्स दी हाउ थिंग, ऑस्टियो आर्थराइटिस अलग चीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस अलग चीज़ है, ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियाँ कमजोर हो जाना है, हड्डियाँ गल जाना है, हड्डियों में छेद हो जाना है, ऑस्टियो आर्थराइटिस हड्डियों की जॉइंट की आर्थराइटिस की बीमारी है जहाँ पे हड्डियों के जॉइंट जो है उसके बीच की ग्रीस, उसके बीच का कार्टिलेज गल गया है, ख़त्म हो गया है और वो रगड़ रही हैं, यहाँ पे एक ऑस्टियोपोरोसिस में हड्डी खराब हो रही है, ऑस्टियो आर्थराइटिस में हड्डी के बीच का जॉइंट खराब हो रहा है, दिस इज हाउ इट इज़ important to understand the basics of everything, right? If you have any questions, please write down, then we'll try and answer all your questions, okay?